अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस साहब की खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी, एक दोस्त ने पूछा था कि ये मौजूदा हालात में जो है जापान जाना बेहतर है बंदे के लिए या फिर यूरोप, और यूरोप वगैरह में बंदा जाए। अरब कंट्रीज का तो है सबको हालात मालूम है, जिस तरह के हैं दुबई में या सऊदीया में के वकील सिस्टम चलता है, सैलरियां जो है वो सबको मालूम है कितनी सैलरी वहां पे होती है। आजाद वीजे वाला तो खैर इतना खास कोई तस्वर नहीं है, और आजाद वीजे पे भी क्या कुछ काम मिलेगा। तो नॉर्मल लेबर की मैं बात कर रहा हूँ, आम बंदे। मैं एक आम बंदा हूँ तो भाई मैं आम बंदे की ही बात करूंगा, बिजनेसमैन की तो मैं बात नहीं करूंगा। ना मैं बिजनेस करता हूँ तो ना मैं उसके बारे में कोई बात करूंगा। तो मेरे ख्याल से जी आम बंदे के लिए जो बेहतरीन ऑप्शन है वो जापान सबसे बेहतर है। मैं 2 साल यूरोप में भी रह के आया हूँ, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी के साथ है। असल में ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो नाम मिलते जुलते हैं, तो इसलिए मैं साथ में बता देता हूँ कि जर्मनी के साथ है ये ऑस्ट्रिया। तो 2 साल वहां पे रहा हूं, लेकिन काम की बात करें तो वहां से जापान में 1000 गुना बेहतर है काम, कि यहां पर सैलरी भी ज्यादा मिलती है और बाकी सारी सहूलियात भी काफी ज्यादा है बंदे को। अब इसमें बात करें अगर सैलरी की, तो जापान में जो नॉर्मल सैलरी है, कम सैलरी की मैं बात करूं फॉरनर के लिए, तो कम सैलरी जो है वो 1000 येन जो है फी घंटे का, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब इसमें काम कौन सा होगा, इसमें काम जो है फैक्ट्रियों में काम नॉर्मल देखें, कि बंदे को नया बंदा है, जबान भी नहीं आती, कुछ भी नहीं उसको पता, तो 1000 घंटा उसके लिए काफी है। और काम क्या मिलेगा उसको फैक्ट्री में, ये पैकिंग वाला काम जो है ये आराम से मिलेगा। पैकिंग वाला काम होगा या ये चॉकलेट का काम होता है, वो भी हर काम तो पैकिंग का ही है, लेकिन चॉकलेट पैकिंग होती है या फूड का पैकिंग होती है, यही चीजों का काम है। पूरा काम तो मशीनों ने करना है, आपने सामान रखना है या उठाना है या चेंज करना है, यही काम होता है। तो 1000 येन काफी ज्यादा, यहां पर काफी ज्यादा सैलरी है, कोई इतनी कम नहीं है। पाकिस्तान का 1500 रुपया समझ लें इस वक्त के हिसाब से, कि इस वक्त जो है ये दिसंबर 2020 है, और इस वक्त आप करेंसी का चेंज करके देख लें, एक्सचेंज रेट देख लें इंटरनेट पे, तो 1 लाख का 1.5 लाख बन रहा है, 1 रुपए का 1 येन का 1.5 रुपया बनता है पाकिस्तानी। तो अगर एक बंदा 1 घंटे में 1000 ले रहा है तो 8 घंटे में 8000 बन गया, और फिर नॉर्मली जो है 2 घंटे का ओवरटाइम होता है, तो ओवरटाइम जो है वो 25% ज्यादा होता है, यानी कि 1000 जिसकी सैलरी होगी तो 1 घंटे का उसको ओवरटाइम जो है वो 1250 मिलेगा। तो 2 घंटे का आप हिसाब लगा लें, 1250 और 1250, यानी कि ये कितने पैसे बन गए, और 8 घंटे का जो है वो नॉर्मल है, तो ये तकरीबन भी 12000 जो है नॉर्मली बंदा एक दिन का कमा लेता है, कि 8000 ये हो गया, 2, 10, 11, 12, यानी 11-12 हजार रुपया बंदा आराम से, 12 हजार येन आराम से बंदा कमा लेगा। और इसको आप पाकिस्तानी करेंसी से कन्वर्ट करके देख लें कि 10000 का 15000 सीधा बन गया, और फिर ऊपर 2000 है 2000 का 3000 बन गया, तो कितने पैसे बनते हैं। तो नॉर्मल जो है ये बंदा जापान में रह के, तो जो काम होता है यहां पर तकरीबन 22 दिन तो काम होगा लाजिम, यानी कि अगर 30 दिन का महीना है तो 8 दिन तो गए हफ्ता इतवार के, और बाकी 22 दिन काम है। 22 दिन में से भी ज्यादातर फैक्ट्रियों में जो है वो हर हफ्ते का काम होता है, अगर आप 4 दिन और लगा रहे तो 26 दिन काम हो गया। अगर किसी में हर हफ्ते का काम नहीं है तो ज्यादातर फैक्ट्रियों में फिर काम होता है कि 1 हफ्ता काम होता है और 1 हफ्ता छुट्टी होती है, वरना नॉर्मली पूरा हफ्ता ही काम होता है, यानी कि इतवार की तो छुट्टी होगी, बाकी 4 हफ्ते काम होगा। और जो हफ्ते के दिन काम होता है उसका हिसाब इस तरह से करते हैं कि हफ्ते को जो ड्यूटी होती है वो 25% ज्यादा मिलती है। अब जिस कंपनी के जरिए आप लगे हैं उसकी मर्जी है, वो 4 हफ्ते आपको 25% ज्यादा दे दे ओवरटाइम के हिसाब से, या फिर अगर इस तरह से वो नहीं करेगी तो फिर नॉर्मल वो करते हैं कि 1 हफ्ता आपकी सैलरी जो है वो नॉर्मल रहेगी और 1 हफ्ता जो है वो 25% ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि जिस तरह से मर्जी आप हिसाब करें, सैलरी फिर भी पाकिस्तान का 2 लाख से ऊपर ही जाएगी, 3 लाख 4 लाख तक बंदा आराम से पैसे कमा सकता है नॉर्मल सैलरी में, 1000 येन की सैलरी में भी। और जो अगर जाहिर सी बात है बंदा जब रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी उसको जुबान आनी शुरू हो जाएगी, 2-3 साल के बाद बंदा जब दूसरी जगह पे अगर काम करेगा या वो जुबान सीखने की तरफ जल्दी आएगा तो फिर 1200, 1400, 1500 येन का यहां पर आम काम मिलता है, कोई इतना मसला नहीं है।
अब जो लोग जापान में हैं उनको ये चीज मालूम है, लेकिन इस तरह की बातें कोई बताता नहीं है। तो कई दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं भाई इतने काम कहाँ पे मिलता है, तो भाई यहाँ पर तो भरा पड़ा है जापान, 1200 येन तो आम काम है। और एक दोस्त है, अभी मैं किसी के बारे में, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो इतना ज्यादा बोलता है जी 1200 येन का भी काम नहीं मिलता, तो ये तो भाई खुला झूठ है, ये तो खुला झूठ है। अगर कोई बंदा बोले कि 1200 का काम ही नहीं है जापान में, झूठ है, दो बिल्कुल सरेआम झूठ है। यहां पर बहुत ही ज्यादा काम है 1100-1200 येन का, और 1000 जो है ये तो नॉर्मल काम है। 1000 तो जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता, समझे कि जापान आया है और काम पे उसने लगना है, तो 1000 तो नॉर्मल है, उसको कोई चीज का पता ही नहीं है। काम तो खैर नहीं आता किसी को भी, लेकिन जुबान भी नहीं आती तो फिर भी 1000 तो उसको सैलरी आराम से मिलेगी। मैं ये कर चुका हूं तो इसलिए मुझे पता है, कोई लफ्ज भी नहीं आता, बस ठीक है जी सुबह काम पे आए जाए काम पे, ठीक है वहां पे क्या करना है वो खुद ही बता देते हैं, ये काम इधर से ऐसे करना है, बस वो सामान ही उठा के रखना है या पैकिंग वाली चीज इधर करनी है उधर करनी है, बाकी तो पूरा काम तो मशीनें कर रही हैं। और जो अमला वहां पे साथ लगा हुआ है वो तो कोई जापानीज है या कोई पुराने लोग भी हैं। जब 8-10 बंदे पुराने हों जिनको जुबान आती हो, तो 2-3 बंदे उनमें एडजस्ट हो जाते हैं जिनको जुबान नहीं आती, क्योंकि पैकिंग वाला काम है, कोई इतना तो जोर वाला काम है नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन ऑप्शन है, किसी और जगह में जाने की बजाय, यूरोप वगैरह में धक्के खाने की बजाय, यूरोप और यूके से बेहतरीन ऑप्शन है जापान में, कि यहां पर बंदा आराम से कोई हल्का सा भी काम बंदा करेगा ना, तो फिर भी 3-4 लाख आराम से बंदा पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपया कमा सकता है। तो अगर किसी दोस्त ने कोशिश करनी हो तो जापान आए, छोड़े यूरोप और यूके के चक्कर को, कुछ भी नहीं है वहां पर, कोई इतना खास नहीं है, ठीक है, कोशिश करें जापान आए, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। लोग भी अच्छे हैं, माहौल भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, जाना तो है काम के लिए, तो जापान में काम इतना है। आप खुद सोचेंगे दुनिया की हर चीज तो जापान बनाता है, टेक्नोलॉजी में क्या चीज है जापान नहीं बनाता, हर चीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हर सामान। हम लोग पाकिस्तान में भी सोचते हैं यार जापान की चीज लें ये अच्छी चलती है, तो वाकई अच्छी चलती है, यहां पर चीज बनाते ही अच्छे तरीके से है, गाड़ियां जापान बनाता है, हर एक चीज बनाता है जो भी आप देखें। तो वो कहां पे बनती है, फैक्ट्री में बनती है, तो फैक्ट्री में पूरे रोबोट तो काम नहीं करते, रोबोट को भी तो इंसान ही चलाते हैं, तो जब वो इतनी मशीनरी होगी तो उनको चलाने के लिए भी बंदे चाहिए। तो आप यहां पर आए और यहां पर काम करें, इंशाल्लाह जो बंदा आएगा वो ये नहीं कहेगा जी किसी ने झूठ बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा काम है। अगर कोई बंदा 24 घंटे भी काम करना चाहे ना तो वो कर सकता है, कि यहां पर दिन में भी फैक्ट्रियां खुली हैं, रात में भी फैक्ट्रियां खुली हैं, कुछ फैक्ट्रियां 24 घंटे चलती रहती हैं। फिर वहां पर काम किस तरह से होता है कि कुछ लोगों को एक हफ्ता दिन में देते हैं, एक हफ्ता रात को, या कुछ लोगों को पक्के ही वो रात की ड्यूटी कर रहे हैं वो रात को ही आएंगे, कुछ दिन की कर रहे हैं वो दिन को ही आएंगे। ज्यादा फैक्ट्रियां 24 घंटे ही खुली हैं, कोई चंद फैक्ट्रियां हैं जो बस दिन में काम होता है, जिनका वेल्डिंग वगैरह का काम है या इस तरह का, वो दिन में होता है, बाकी नॉर्मली गाड़ियों का, पैकिंग का, हर तरह का काम जो है ये 24 घंटे खुली रहने वाली फैक्ट्रियां हैं। खाने पीने का काम जो है ये सब 24 घंटे वाला काम है, पैकिंग वाला काम जो है। तो अगर किसी को कोई चीज मजीद पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फेसबुक पे मेरा पेज बना हुआ है वॉइस ऑफ जापान का, वहां पर मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप का नंबर मैंने पाकिस्तान का दिया है, तो उस पर भी अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं जैसे ही देखूंगा तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये वीडियो का यही तक थी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।